हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुलशी स्टडी स्टडी विद लक्ष्या। एंड दिस इज द लेक्चर 19 कंप्यूटर लैंग्वेजेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है किस किस तरह की होती हैं, कैसे हमारी बात को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कैसे वर्किंग करता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। हमारी और सीरीज चल रही है जीके की, करंट अफेयर्स की और बेसिक्स ऑफ मैथ्स की, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। कंप्यूटर लैंग्वेजेस। द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद इट। दैट मीन्स ही मस्ट बी एबल टू गिव द कंप्यूटर कमांड्स एंड अंडरस्टैंड द आउटपुट दैट द कंप्यूटर जनरेट्स। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जब कोई ह्यूमन कंप्यूटर पर वर्क करता है तो वो उसके साथ में कम्युनिकेट करता है, मीन्स उसमें हम उसको अपनी बात समझा रहे हैं और उसकी बात समझ रहे हैं, उसको कुछ कमांड दे रहे हैं, कुछ हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो हमारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन कंप्यूटर की कुछ हमारे जैसी लैंग्वेज तो होती नहीं है, तो किस लेवल पे किस तरीके से वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को समझ पा रहा है। हाउ डू यू थिंक वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। किस तरह से हम कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी कमांड्स दैट यू मे गिव इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर कोई हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा है, हमारी बात वो सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, तो किस तरह से हमारे दिए हुए वर्क को वो पूरा कर रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल। इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कम्युनिकेशन और व्हाट वी कॉल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये जो सारे वर्किंग होती है जिसके थ्रू हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे कम्युनिकेशन को कंप्यूटर समझ पाता है, उसी को हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है, जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रेन, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी, डॉटनेट, सी शार्प, बहुत ही सारी लैंग्वेज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अपडेट्स होते रहते हैं और ज़्यादा इन्वेंशंस होते रहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस तो लिमिटलेस हैं आज के टाइम में। और लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी आती हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है। दिस इज द लैंग्वेज दैट इज रिटन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। सच लैंग्वेज इज इफेक्टेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको डायरेक्टली समझ पाता है, मशीन लैंग्वेज उसको कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, अपना एक कोड है, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ह्यूमन के लिए वो थोड़ा सा हार्ड होती है समझनी, लेकिन कंप्यूटर की वो अपनी लैंग्वेज है तो कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन कोड भी कह देते हैं, बाइट कोड भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन है बाइनरी डिजिट्स का और बिट्स का। कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी डिजिट्स समझता है, ए बी सी डी अल्फाबेट्स तो कंप्यूटर समझता नहीं है। क्या समझता है, जीरो और वन, इस तरह की फॉर्म में वर्किंग होती है, जीरो एंड वन की फॉर्म में जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, बाइट कोड मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक मशीन लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर्स दैट यूटिलाइज प्रोग्रामेबल माइक्रो कोड। मशीन लैंग्वेजेस आर द ओनली लैंग्वेजेस अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। मशीन लैंग्वेज एक लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन ह्यूमन इसको नहीं समझ पाता। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एन इनकोडिंग ऑफ मशीन कोड दैट मेक्स सिंपलर एंड रीडेबल। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह की इसमें कोडिंग होती है, इसको ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर लेता है। और अगर कंप्यूटर को ये समझनी है तो पहले क्या करना होगा, असेंबलर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, देन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन कंट्रास्ट टू मोस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हिच आर जनरली पोर्टेबल अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स। तो ये क्या है कि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर पहले कन्वर्ट करता है
मशीन कोड में, बाइट कोड में, देन उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बाय अ यूटिलिटी प्रोग्राम रेफर्ड टू एज असेंबलर, लाइक NSM, MSM। असेंबलर्स होते हैं कुछ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्स होते हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज कंपाइलर होते हैं। तो असेंबलर उसको पहले कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में, देन उसको अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर। उसके बाद में आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। द हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखी जाती है, तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा अंडरस्टेबल होती है, ज़्यादा ईजी टू यूज होती है, कोई भी इसको जल्दी सीख सकता है। सी लैंग्वेज, फोरट्रान, पास्कल, जावा, सी शार्प, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सच लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेजेस। ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है, तो हमें अंडरस्टैंड करने में ईजी होती है, मशीन लैंग्वेज से दूर है। तो अगर हमने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो उस लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, देन उसको कंप्यूटर समझ सकता है। लेकिन हमारे लिए ये काम इजी हो जाता है कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सीखना इजी होता है एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना इजी होता है। द हाई लेवल लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोरट्रान, जावा, पर्ल, PHP, पाइथन, रूबी, विजुअल बेसिक, पास्कल एंड मैनी मोर। दीज लैंग्वेज हैव स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन टेक्स्ट विच आर मोर कम्फर्टेबल टू लर्न। ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है लर्न करने के लिए। इट नेवर नीड्स द एड्रेसिंग ऑफ हार्डवेयर कॉन्स्टेंट व्हेन डेवलपिंग अ प्रोग्राम। दीज आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। मशीन इंडिपेंडेंट कैसे होती हैं कि ज़रूरी नहीं है जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो हम उसको किसी भी मशीन पे, किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अलग से कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट होगी कि उसमें अलग से कोई हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा या फिर अलग से हमें उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। किसी भी हम मशीन पे उसको इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है हाई लेवल लैंग्वेज का। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रीयूज कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को रीयूज कर सकते हैं। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। एक क्लास की हम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे में यूज कर सकते हैं। एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको हम आगे इनहेरिटेंस करके इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को। इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प इन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, जैसे कि अनलाइक असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, यूजर्स डू नॉट नीड टू लर्न द हाई लेवल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू वर्क विद इट। हमें असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज की तरह इसको पूरी तरह लर्न नहीं करना पड़ता। हर एक कमांड इसकी रटनी नहीं होती है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, देयरफॉर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट डिटेक्ट्स एरर्स इमीडिएटली। अगर हमारी कोई मिस्टेक रह गई है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा वो ऑटोमेटिकली उस एरर को डिटेक्ट करेगा और हमें शो करेगा कि यहाँ पे आपके एरर है। इस तरह से हम उसको इजीली डिबग कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू मेंटेन एंड इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड। इजी टू मेंटेन होती है, इजीली मॉडिफाइड में हम एक चीज़ को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मेक्स डेवलपमेंट फास्टर। डेवलपमेंट जो होता है फास्टर होता है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है और फिर रीयूजेबल भी है। हमने जो चीज़ एक बार बना दी उसको हम फिर से दोबारा से यूज करके कुछ अलग, उसमें डिफरेंस क्रिएट करके कुछ अलग चीज़ बना सकते हैं। इस तरह से अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है आज, लेकिन एक दो साल बाद हमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ हम उसमें अलग से ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसी को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी में फिर से एडिशन करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये हमारी सीरीज है बेसिक्स ऑफ मैथ्स की। यहाँ पर आपको जूनियर मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और LCM, HCF, सारे बेसिक टॉपिक कवर होंगे। और हमारी एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, एक सीरीज चल रही है GK एंड करंट अफेयर्स की। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।
वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए एक एक लाइक और शेयर से बहुत ही मोटिवेशन हमें मिलने वाला है। और कभी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ड्रीम एक्ट एंड अचीव। सो